बढ़ते हैं अगले डिसाइडिंग फैक्टर की ओर और वो है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो उसका जो स्टाफ है, उसके जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो कितनी डाइवर्स है। कहने का मतलब है कि अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहाँ पे कितने अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। अगर हम इवन डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे कितने डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो कितने डिफरेंट स्टेट से आता है। अगर हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगेन नेशनैलिटीज़ कितनी रिप्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के बीच में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर पढ़ने का मौका मिलता है। आप अलग अलग कल्चर सीखते हो, आप अलग अलग चीज़ें सीखते हो, आप दूसरे के कल्चर से अपनी चीज़ें सीखते हो, नई चीज़ें सीखते हो, आप दूसरों को अपने कल्चर के बारे में बता सकते हो। इससे ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है एंड यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। तो ये ज़रूर देखिए कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है क्या रोल प्ले करती है और आपका कैंपस कितना डाइवर्स है।